गौतम गंभीर ने कहा कि 2011 वर्ल्ड कप में जब सभी ने कहा कि हम किसी एक व्यक्ति के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूँ, और मैंने अपने देश के लिए ही बल्ला उठाया था। आपको बता दें कि उस वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर ने 97 रनों की पारी खेली थी, जिसकी हाइप आज तक नहीं खत्म होती। पाकिस्तानी पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने कहा कि मैंने PSL और IPL दोनों में काम किया है। PSL का IPL से कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि IPL एक बहुत बड़ी लीग है जिसमें पाकिस्तान की PSL से कोई मुकाबला नहीं। हाँ, PSL को मिनी IPL कहा जा सकता है। सुरेश रैना बताते हैं कि रात के अचानक 1:30 बजे MS धोनी आया और बोले सेल्फी लो। मैंने अचानक देखा कि ये क्या सेल्फी लेने को क्यों बोल रहे हैं, तो मैंने भी सेल्फी उनके साथ ले। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज के बाद ये जर्सी मैं दोबारा नहीं पहनूंगा। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। असल में उस वक्त MS धोनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे थे, और उस वक्त उनकी भी आंखों में मैंने आंसू देखे। ये तस्वीर साउथ अफ्रीका की स्टार क्रिकेटर डीन एलगर की। इस तस्वीर में आपको कुछ अजीब दिख रहा है? अगर आपको अभी तक नहीं दिखा तो हम आपको बता दें कि इन्होंने इस तस्वीर में जो कैप पहनी है, ये इनकी टेस्ट डेब्यू की कैप, और ये आज तक हर मैच में इसी कैप का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि इनका कहना है कि इस कैप के साथ मेरा एक इमोशन जुड़ा हुआ है, जिसे मैं हर मैच में पहनकर खेलता हूँ। क्या आपको साउथ अफ्रीका की इस गजब के क्रिकेट रूल के बारे में पता है? तो हम आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड में एक गजब का रूल है, जिसमें है कि 6 black player रूल है, जिसमें आपकी टीम में 6 काले players होने ज़रूरी है। अगर आपकी टीम में 6 काले लोग नहीं है तो ये टीम इनकम्प्लीट है। आपको बता दें कि उसमें भी 2 African black होने चाहिए, तब जाके एक साउथ अफ्रीका की टीम कंप्लीट होती है। इनका नाम साहिल सैयद है और ये मुंबई व्हीलचेयर क्रिकेट के प्लेयर हैं। आपको बता दें कि ये इकलौते व्हीलचेयर क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी तक 200 का स्कोर पूरा किया है। इन्होंने 75 बॉल पर 206 रन बनाए थे, जो कि आज तक की हिस्ट्री में अभी तक किसी व्हीलचेयर प्लेयर ने नहीं बनाए। रन लारा ने कहा कि विराट कोहली पर जो लोग भी धीमा खेलने का आरोप लगाते हैं वो उनसे जलते हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली अभी तक 80 शतक जड़ चुके हैं। मैंने भी अपने क्रिकेटिंग करियर में ऐसे बहुत से बेबुनियाद आरोपों का सामना किया है। अगर मेरा बेटा किसी भी लाइन में जाने के लिए कहेगा तो मैं उसे विराट कोहली ही की तरह अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहने की सलाह दूंगा। साइमन रूल ने रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने इतना निस्वार्थ प्लेयर आज तक नहीं देखा, जो सिर्फ अपनी टीम के लिए खेलता है और अपनी टीम के लिए हर वो कोशिश करता है जो वो कर सकता है। MS धोनी ने अपनी शादी में सिर्फ गिने चुने ही लोगों को बुलाया था, जिसमें सुरेश रैना भी शामिल थे। सुरेश रैना बताते हैं कि MS धोनी ने अचानक मुझे कॉल किया और कहा कि कहाँ हो तुम, तो मैंने कहा कि मैं लखनऊ में हूँ। उन्होंने कहा कि मैं देहरादून में शादी करने वाला हूँ, किसी को बताना मत, चुपचाप चले जाओ। मैंने भी किसी को बताया नहीं, जो कपड़ा पहना था उसी कपड़े में देहरादून पहुँच गया। अब उसके बाद MS धोनी की शादी में धोनी के ही कपड़े मैंने पहनकर उसकी शादी अटेंड की। IPL 2013 में मैच फिक्सिंग के दौरान तमिलनाडु के IPS ऑफिसर ने MS धोनी पर भी इल्ज़ाम लगाया था, जिसके बाद MS धोनी को क्लीन चिट मिल गई थी। लेकिन उसके बावजूद IPS संपत कुमार ने MS धोनी को फिक्सर कहकर बुलाया था, जिस पे MS धोनी ने तमिलनाडु की अदालत में मानहानि का केस दर्ज किया था। इस मामले में अदालत ने 15 दिसंबर 2023 को फैसला दिया, जिसमें IPS संपत कुमार को 15 दिन की जेल व 30 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है।